कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के तत्वावधान में जिला संयोजक इंजीनियर नवीन कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शनिवार को गोलघर इंदिरा तिराहे पर भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान के कैद से सकुशल भारत वापसी के मौके पर सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही साथ अभिनंदन वर्धमान एवं भारतीय वायुसेना के जांबाजी के नारे लगाए। कार्यक्रम में सेवा दल यंग ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष मुचकुंद नारायण दुबे, महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, दिनेश चंद श्रीवास्तव, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार निषाद, वरुण मिश्रा, हरीश जमाल खान, राहुल गुप्ता, शीरीष गुप्ता, आशीष गुप्ता, नमन गुप्ता, प्रज्वल चंद, नीरज पांडे, छोटू पंडित, मंटू यादव, अनंत पांडे, आकाश सिंह, अनूप सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष मुचकुंद नारायण दुबे और कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा, अभिनंदन तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिनंदन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुचकुंद दुबे, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन जी का स्वागत करते हुए हम लोग चेतना चौराहे पर केक काटा गया है, अभिनंदन किया गया है उनका। आज का ये कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर वीर अभिनंदन के रिहाई के उपलक्ष में यहाँ पर सेवा दल के यंग ब्रिगेड के जिला महानगर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में एक हर्ष व्यक्त किया जा रहा है उनके रिहाई पे, को जिस तरह से वीर अभिनंदन ने पाकिस्तानी विमानों को जो भारतीय सीमा के अंदर आक्रमण के दृश्य से, चाहे वो सैन्य ठिकाने या नागरिक ठिकाने के दृश्य से आए हुए थे और उनको खदेड़ कर पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुस के उनके अत्याधुनिक F-16 विमान को मार गिराया, वीर अभिनंदन ने निश्चित रूप से उन्होंने इस चीज़ को पूरे दुनिया के अंदर एक संदेश देना काम किया को भारतीय वायुसेना के जांबाज किसी भी परिस्थिति के किसी भी मुकाबले के लिए सदैव तत्पर रहें। और उसके बाद उनका भी संजोगवश दुर्भाग्यवश उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उन्होंने विमान से एग्जिट किया और 48 घंटा पाकिस्तानी सेना के कस्टडी में रहते हुए भी उन्होंने देश के प्रति वफादारी दिखाते हुए जो उनको एक ट्रेनिंग के समय दी जाती है और उन्होंने देश के प्रति वफादारी दिखाते हुए कोई भी चीज़ नहीं कही और ना ही कोई चीज़ बतलाया। और जब वो वापस लौटे तो उनके चेहरे पे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो दिखा रही थी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भारत की सीमा में आए। और इसके लिए यहाँ के सेवा दल यंग ब्रिगेड के द्वारा जो एक हर्ष जाहिर किया जा रहा है निश्चित रूप से ये एक काबिले तारीफ है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए। इस तरह के जो भी हमारे वीर होंगे उनका हम लगातार सदैव अभिनंदन करते रहेंगे, उनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय सेना को हम मैसेज देने का काम करेंगे, भारत की जनता चाहे वो कांग्रेस पार्टी सदैव उनके हौसला अफजाई में जो कुछ करना पड़ेगा वो सदैव करती रहेगी।